उस पर हमको मार्गदर्शन के लिए हमारी महामहिम गवर्नर मैडम का आशीर्वाद मिलेगा। यह भी एक सुअवसर है हम सब लोगों के लिए। यह विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन एक नए आयाम स्थापित कर रहा है अपने क्षेत्र में, और ये नया भवन निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को छूने में और शिक्षा के गुणवत्ता में प्रगति लाने में सहायक होगा, ऐसी मेरी कामना भी है और विश्वास भी है। मित्रों, आप सब लोग हमारे श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल महोदया के मार्गदर्शन के लिए इच्छुक है, और मुझे भी यही इंतजार है कि उनका मार्गदर्शन मिले, क्योंकि श्रद्धेय मोदी जी और श्रद्धेय महामहिम के विजन और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको मिशन के रूप में लिया है। इनके विजन को हमने मिशन बनाया और उसको कुछ करने का प्रयास किया। मुझे कहने में हिचक नहीं है कि महामहिम के निर्देश और मार्गदर्शन से पूर्व उत्तर प्रदेश की शिक्षा पद्धति और शिक्षा स्थिति दोनों ही चरमरा रही थी। किसी भी देश और प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि कोई राजनीतिक दल यह घोषणा करके चुनाव में वोट मांगे कि हम आपको नकल का अधिकार देंगे, लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य था कि ऐसी परिस्थितियों से गुजरा और शिक्षा पूरा क्षेत्र चरमरा गया, बंटाधार हो गया। लेकिन जब से हमें महामहिम का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला तो उत्तर प्रदेश के चार चार विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय ए डबल प्लस रैंकिंग में आए, ये एक गौरव की बात है प्रदेश के, और खास तौर से उस समय गौरव की बात है जबकि इससे पहले बी प्लस की श्रेणी में भी कोई विश्वविद्यालय नहीं था प्रदेश का। एक मैराथन मीटिंग और हम सबको मार्गदर्शन महामहिम का उसी की उपलब्धि है, उसी वही कारण बना इस उपलब्धि का। और पांच निजी विश्वविद्यालय भी हम लोगों के डबल प्लस में है।